और सर मैं क्लासिकल संगीत भी सीख चुकी हूँ 4-5 बरस। मेरे पिताजी भी सितार बजाते थे, तो अगर आप मुझे एक बार गाने का मौका दे दे तो। देखो तुम्हारी तरह कई लड़कियां आती है मेरे पास, सबको बनना है प्लेबैक सिंगर, मौका दे सकता हूँ, लेकिन ये मौका मैं तुम्हें ही क्यों दूँ? Why? वो तो सर अगर आप मुझे एक बार गाने का मौका दे तो ही तय कर सकते हैं कि मुझमें टैलेंट है या नहीं। टैलेंट तो सभी लोगों में, हम भी टैलेंटेड हैं, सवाल टैलेंट का नहीं, सवाल ये है कि टैलेंट के सिवा आप क्या दे सकती है। मेरे गुरुजी हमेशा कहा करते थे, हमेशा कहते थे कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, समझिए आप। गुरुजी आपसे मिले प्रोड्यूसर तोलूराम जी आए हैं। हाँ बैठा, मैं आ रहा जी। अच्छा, सो दैट्स दैट, मिलते रहिए, मैं भी देखता हूँ मुझसे आपके लिए क्या हो सकता है। जी जी, मिलेगा जरूर। सुनिए जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। आ गई बेटी, कैसा रहा तेरा दिन? म्यूजिक डायरेक्टर ने तेरी कैसेट सुन ली? बाबा ने दवाई ली। हाँ ली, मैं अभी आई। नहीं बाबा, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तो कहाँ उदास हो, हंस तो रही हो ना? आप भी ना। विद्या, दोपहर में गैस वाला आया था तो मैंने सत्य से पैसे उधार ले लिए और उसे दे दिए, उसके पैसे वापस कर देना और देखो 200 रुपया देना, 150 रुपये गैस के और 50 रुपये मैंने खर्च किए हैं। ले खीर ले। खीर? माँ खीर क्यों बनाई है? वैसे भी तुम जानती हो हमारे पास पैसे नहीं है। आज तेरा जन्मदिन है ना? माँ तुम भी ना सचमुच हद करती हो कभी कभी, तुम जानती हो हमारे पास पैसे नहीं है, क्या जरूरत है खीर वीर बनाने की लोगों से पैसे लेकर जन्मदिन होने से। अब खा तो रही हूँ ना और अच्छी भी बनी हूँ। आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको नीचे देख रही थी। दरअसल एक म्यूजिक डायरेक्टर को मिलने गई थी मैं आज, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में और कैसे कैसी बातें करते रहते हैं। सचमुच कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मुझे तो कभी कभी लगता है ना ये टैलेंट ये वो सब ऐसा कुछ होता ही नहीं, सब बस बोलने की बातें होती है और मेरी तो समझ भी नहीं आता ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूं, क्या जवाब दूं ऐसे लोगों को। और ये सारी बातें बेचारे माँ और बाबूजी को बता भी नहीं सकती, दोनों ऐसे ही परेशान रहते हैं। बेटी कमा के लाती है, अकेली कमाती है, उसकी कमाई खानी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। कितना भी समझाओ लेकिन ओह वो दरअसल मैं आपके पैसे लौटाने आई थी। 200 तो नहीं है मेरे पास, 170 है, 30 रुपये बाद में दे दूंगी। नहीं मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। नहीं आप रख लीजिए प्लीज, बाद में ले लूंगा। नहीं प्लीज, थैंक्स। हैप्पी बर्थडे विद्या। थैंक यू।
हेलो एडम, मैं सत्या बोल रहा हूँ। तू म्यूजिक डायरेक्टर रोनी सागर को जानता है? कौन बोल रहा है? वो लड़की आई थी ना कल। कौन? वो लड़की आई थी ना कल गाना गाने के लिए। हाँ तो? उससे आज गाना गवाना। क्या? उससे आज गाना गवाना कर, जान प्यारी तो सही। ए, बकवास बंद कर बेवड़े। छोड़ दिया, अगली बार भेजे में लगेगी। हेलो, विद्या जी कहाँ रहती है? कौन? विद्या जी? मुझे मालूम। अरे भाई साहब, यहाँ विद्या जी कहाँ रहती है? वो सिंगर जो गाना गाती है ना पिक्चर में। दो माले पे साहब। दो माला। नमस्ते। नमस्ते। विद्या, विद्या जी हैं? एक मिनट। हाँ। विद्या? हाँ माँ। तुझे कोई मिलने आए हैं? सर? सर आप यहाँ? आइए ना, आइए, अंदर आइए। सर आप, बाबा बाबा ये रोनू जी हैं। सर नहीं, फाइन। सर आप यहाँ कैसे? नहीं, बात क्या है कि मैं रात भर सोचता रहा, आपकी आवाज के बारे में सोचता रहा, और मैंने तय किया कल का जो मेरा गाना है वो आप गाएंगे। जी हाँ, कल रिकॉर्डिंग है 9 बजे, पक्का आ जाइएगा फेमस। मैं सर? या आप डोंट माइंड ना, डोंट माइंड। नहीं फाइन फाइन सर, आप कोई बात कॉफी वगैरह कोई बैठे ना सर, कल सुबह 9 बजे पक्का। सर लेकिन आप जा रहे हैं? ओके, जरूर आइएगा सर, प्लीज। मेरे लिए वगैरह कुछ कॉफी की कोई जरूरत नहीं, प्लीज। कल सुबह 9 बजे पक्का। मैं चला जाऊं? कहां से ऑर्डर मंगा दो जल्दी से। इस तरह तो आप मेरे साथ स्टूडियो तक आ जाइए प्लीज। कोल्ड ड्रिंक तो मंगा देती हूं मैं सर। नहीं नहीं, बस कल 9 बजे प्लीज सर। 9 बजे ओके। हेलो सत्या, अरे तेरा काम हो गया बिंदास रहने का क्या? अरे रात के फटाके ने मजबूत काम किया है, अरे गल्ले में आ गए उसके। ए चंदर दे, ये ले बापू से लाइव सुन। हाँ सत्या, हाँ काम हो गया। अरे वो रज्जाक है ना अपना, अरे मेरे दोस्त, हाँ वो उस फिल्म का असिस्टेंट है, उसने बताया 1.5 फुट की फट गई। बोला आज भाई लोग का फोन आया, तब से उसको जुल्लाब हो गया है। बोला उस लड़की को बुला और उससे ही गाना गाओ। बोल रहा था क्या आवाज है, सुपर डुपर हिट आवाज है, आज के बाद सभी फिल्म में उससे ही गाना गाऊंगा। सच बोल रहा हूँ। ये बात सुन, भीकू को दे जरा बोल। भाई भीकू भाई क्या उधर? हाँ कल्लू मामा को बात करना है। हाँ भीकू भाई, ले कल्लू मामा से बात कर। अरे भीकू, अरे साला सुन, वो मल्होत्रा के सल्टाने के बाद तो साला बिल्डर लोग भाग भाग के इधर आ रहा है। गिडवानी साला इधर बैठ कर गया, अभी मेरे को बोलता है पैसा आज का आज ले लो, थोड़ा कमती करने का। ए बाबू, अपन लोग नहीं छोड़ेगा उनको, उनको बोलो जान की बख्शी चाहते हैं, वो लोग तो वसूली की रकम बढ़ाए। चल पट्टी, हमें उनसे वसूली की रकम बढ़वानी नहीं चाहिए। काय को? अगर उन्हें देने से इनकार कर दिया तो? ए हरामियों का एक एक करके गेम बजाएंगे फिर। देख बिकू, ये धंधा है, हमें उनके डर से फायदा है, मौत से नहीं। सत्या, सत्या, पता है आज कौन आया था? रोनू सागर। क्यों? अपने नए एल्बम में मुझसे गाना गवाना चाहते हैं वो सत्या, मुझसे। अच्छा? हाँ,
मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है सचमुच, मुझे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। याद है कल गुस्से में मैंने क्या क्या बोल दिया था उनके बारे में, पता नहीं जो भी उल्टा पुल्टा मेरे मन में आया मैंने बस ऐसे ही बक दिया था। सचमुच कभी कभी कुछ लोगों के बारे में हम कितना गलत सोचते हैं ना। कभी कभी गलती हो जाती है। चलो तुम तो खुश हो ना। खुश? मैं तो पागल हो गई हूँ पागल, अब तक विश्वास नहीं हो रहा सत्या सचमुच। तो पार्टी होनी चाहिए। बिल्कुल होगी। चले पहले मेरे पैसे तो आने दो, तुम्हारे 30 रुपए भी तो देने हैं। तो पार्टी मेरी तरफ से, बाद में तुम दे देना ठीक है। ठीक है चलो। अभी क्या है ना, मैं तेरे को बेस्ट वाला बताता। पिछले साल मेरी वाइफ का बर्थडे था, मैं उसको पिक्चर लेके गया था। वो कौन सी? चिपकली वाली पिक्चर। चिपकली? हाँ चिपकली वाली पिक्चर। क्या नाम था उसका? हाँ जीजा माता पारक नाम था उसका। जीजा माता पारक जिसा जुरासिक पार्क। बिल्कुल बिल्कुल वही 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 वही, उसी में लेके गया था मैं इसको। उधर क्या हुआ, जैसे एक मोटे पे छोटी वाली चिपकली करके कूदी, ये मेरे को चिपक गई। वो डर गई थी मैं। डर गई थी है? तूने देखी है क्या? नहीं मैंने नहीं देखी। नहीं देखी? क्या डेंजर स्टोरी है, क्या डेंजर फिल्म है। तू लेके जाए इसको दिखा है? और उसमें जो वो एक मोटी वाली जो चिपकली होती है ना, बड़ी वाली, उसका चेहरा बिल्कुल भाव की तरह लगता था वो। भाव? भाव कौन है? मैनेजर है अपनी कंपनी का। मैनेजर है। उसका चेहरा है बिल्कुल सांड का जैसा है, सबको खाता है वो। बाप रे। आप लोग बहुत पीछे देखते हैं। नहीं रे, टाइम ही नहीं मिलता है, बच्चे लोग है ना टीवी बहुत देखती है, स्टार टीवी, जी टीवी, एमटीवी, वो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। किसको राग दे रही हो? किसको राग दे रही हो? दूरदर्शन पे 7 बजे के बाद मराठी समाचार देखती है। वो मैं तेरे लिए लगाती है। तू क्या करती है? मैं गाती हूँ। क्या गाती है? अरे गाना गाती है। कौन सा गाना गाती है? अरे कौन सा क्या, गाना गा के पैसे कमाती है, जैसे तू खा के पैसे कमाती है इधर। मैं खा के पैसे कमाती है? गवा गवा कर तेरा घर चलाती है ना मैं। क्या कर रही है? पैर नीचे रख। एक दिवस का बाहर गया वाला काही बोल। अच्छा ओके ओके, ये पब्लिक देख, दे बोला ना पब्लिक है, देख हंस रही है, देख हंस रही तेरे पे। तू क्या हंस रही है? नहीं नहीं, यू बोथ लव ईच अदर सो मच। लव? ठीक है, ये सो मच का है? सो मच ये इतना नहीं, इतना सॉरी। अभी क्या है ना, 10 साल से पका रहे हैं एक दूसरे को। 12 साल से। अरे पहले 2 साल में तो पकाई किधर रही, चिपक कर रही थी।